आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सिरसा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जिन्हें मायावती जी ने सिरसा से उम्मीदवार घोषित किया है। यह पुराने पत्रकार हैं जनक अटवाल जी, जिन्होंने अनेक वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में के साथ साथ वकालत के क्षेत्र में कार्य किया। आज वह बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पल पल के दर्शकों के बीच में उनका स्वागत करता हूं। स्वागत है जनक जी आपका। जनक जी, आप राजनीति में आए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, राजनीति में आने का कैसे ये मन बना आपका राजनीति में प्रवेश करने का? देखिए, समाज में हम पत्रकारिता करते हुए भी एक ऐसा मैसेज दे रहे थे कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो उसकी एक निष्पक्षता बहुत जरूरी है। उस निष्पक्षता को जब से मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे, हर तरह के मीडिया में, समाचार पत्रों में ऐसा एक आतंक सा छा गया, सिर्फ भगवाकरण किया गया उनका। हर तरह की जो खबरें रियल मायने में जो घटित हो रही है घटनाएं, उनको नहीं दिखाया जाता। आज हरियाणा में देख लो, करनाल में जो छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज हुआ, जलियावाला बाग की एक तरफ तो सरकार 100वीं वर्षगांठ मना रही थी और दूसरी तरफ एक जलियावाला बाग का कांड करनाल जैसे क्षेत्र में करवाया जा रहा है और वो भी बिल्कुल ऐसे मासूम बच्चों के ऊपर जो भी स्टूडेंट हैं। और वैसे भाजपा सरकार ये कहती है कि भावी पीढ़ी है, हमें इनको सहोज के रखना है, सहेज के रखना है, इसको अच्छा आगे बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ उन पर लाठियां और गोलियां चला रही है। पूर्व की सरकारों में उत्पीड़न होता रहा है, किसानों का हुआ, वो सब आज बच्चों तक भी आ गए। तो ये सब चीजें ऐसी थी जो मुझे खींच के लिए कि नहीं, अब अन्याय बहुत बढ़ रहा है और इस अन्याय के खिलाफ कैसे आवाज उठाई जाए। दूसरी तरफ ये था कि डेमोक्रेसी को पंगु बनाया जा रहा है। आज नहीं, आप मतलब आपका राजनीति आने का मतलब ये है कि आप राजनीति के माध्यम से जो चीजें चल रही हैं, जनता के विरुद्ध चल रही हैं, उसके माध्यम से आप आवाज उठाना चाहते हैं। जी जी, आप बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी जिसका हरियाणा में बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, उसको आपने चुना जी, तो उसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, बहन मायावती जी हैं, वो हमेशा से दलितों की एक हितैषी रही हैं और ना केवल दलितों की बल्कि अब तो यूपी में भी आपने देखा होगा कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे उन्होंने सभी कास्ट को बराबर का दर्जा दिलाने का एक बीड़ा उठाया। और जैसे 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 ही उनकी सरकार गई यूपी से, उसके बाद से उत्पीड़न बहुत बढ़ गया। आज संविधान खतरे में है, बहुजन समाज पार्टी के हित के जो कार्य थे उन पे अंकुश लगाया जा रहा है। प्रजातंत्र के जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे सीबीआई है या इनकम टैक्स है या कोई और है, उनके दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इवन के SC ST एक्ट जो था वो खत्म कर दिया गया था। अब जो संरक्षण दलितों के लिए एक बहुत बड़ा कानून था, ये SC ST एक्ट, उसको सब सरकार ने नहीं, वो आप थोड़ा सा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद सुप्रीम कोर्ट में कुछ अमेंडमेंट आई थी भाई, कोई भी किसी की अरेस्ट तब किया जाए, पहले उसकी इंक्वायरी की जाए, तो शायद सरकार ने तो उस एक्ट में दोबारा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अमेंडमेंट आया। मेरा ये मानना है शायद सरकार ने तो बल्कि SC ST एक्ट के हक में वो किया है, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया था, जहाँ तक मेरी जानकारी। नहीं सर, आप इस जानकारी को पूरा रखें, अपडेट भी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंक्वायरी करके और फिर आप मुकदमा दर्ज करें, फिर आप अरेस्ट करें उसको। जब कोई घटना घटती है उत्पीड़न की दलितों के लिए, तो वो दलित उत्पीड़न के बाद जब दलित थाने में जाता है, FIR लॉज करवाने देता है, तो अक्सर ये होता है कि समझौते हो जाते हैं। जितने अब तक के रजिस्टर्ड केस हुए हैं उनमें देखिए, आप कन्विक्शन तक या कोई सजा तो बहुत कम लोगों को मिली है। शायद शायद इन्हीं आंकड़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था भी, 95 से अब जितने केस हैं उन मामलों में कोई सजा नहीं हुई और कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो आपका ये कहना है भी दलित के साथ क्योंकि समझौता प्रेशर पड़ता था, इसलिए ये समझौते होते थे।
थे, तो मेरी ये आपने जानकारी अपडेट की। आपका अब जब पब्लिक के बीच में जाओगे तो आपका मुख्य मुद्दा क्या? हमारा मुख्य मुद्दा ये होगा कि सरकार ने, भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई तो उन्होंने नौकरियों को खत्म कर दिया। अब जब सरकारी नौकरियां ही नहीं मिलेगी एक युवा को, तो पढ़ लिख के क्या करेगा? क्राइम की तरफ भागेगा। आज मुद्दा ये है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए, आज मुद्दा ये है कि संविधान को बचाया जाए, शोषण जो है वो युवाओं का हो रहा है वो कम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ये सोच है कि सबको बराबरी का दर्जा मिले। कोई रिजर्वेशन पॉलिसी भी अगर है तो आप, मायावती जी भी एक बात कहते हैं और बाबा साहब ने भी कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सरकार में हिस्सेदारी, नौकरियों में हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी, वो सबकी बराबर होनी चाहिए। हम इस मुद्दे को क्या आप इस मुद्दे पे भी हैं? आरक्षण खत्म करके सभी के लिए आरक्षण लागू कर दिया जाए। जो बहन मायावती जी ने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी भी हो, तो वो सब चीज आरक्षण को 100% ही कर देगी। उसमें कोई ये नहीं रहेगा कि इसको आरक्षण इतना परसेंट मिला, जिसकी भी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पे वो। तो जनक जी आप बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हुए अंत में केवल एक सवाल, जिस पे आप पूरे चुनाव कंपेन में एक ऐसी बात जिसको लेकर आप अपना, उसके आसपास अपना कंपेन रखेंगे, वो क्या बात है? देखिए, संविधान को बचाना आज बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि संविधान के बिना इस देश में अराजकता फैल जाएगी, इस देश में अनार्की आ जाएगी, इस देश में आम आदमी असुरक्षित हो जाएगा। तो हमारा सबसे मोटिव जो है वो इलेक्शन लड़ने का, हम एक लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से भी हो, क्योंकि प्रजातंत्र में यही एक तरीका है कि चुनाव के माध्यम से आप देश की महापंचायत में एक ऐसा नुमाइंदा अपना भेजें जो संविधान की रक्षा कर सके। मैं आज कह बगैर नहीं रहूँगा, भाजपा है वो देश के संविधान को ख़त्म करने की चिंता लोग, कांग्रेस है वो पहले से सत्ता में रही है बावजूद उसके कोई संविधान को संरक्षण नहीं दे पाई, तो आज बच कौन सी पार्टी गई? तो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी हैं हमारी सुप्रीमो, उन्होंने एक ही बात कही है कि हम संविधान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि किसी और काम के लिए बने, वो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए वो सत्ता में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे खास मेहमान जनक अटवाल जी, जिन्होंने ये बताया कि वे चुनाव लड़ रहे हैं तथा उनका मुख्य मुद्दा होगा संविधान को बचाना, जो बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में अगर संविधान है तो लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो ये देश रहेगा। आज इतना ही, नमस्कार।